बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सईदा लैला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी किचन एंड व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बात करते हैं दुआ ज़ारा मुबैना अगवा केस। आज दुआ ज़ारा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। आज अदालत में जब दुआ ज़ारा को पेश किया गया तो दुआ ज़ारा से किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। सहाफ़ियों पर तफ्तीशी अफसर ने पिस्तौल तान ली। पुलिस ने दुआ ज़ारा को अदालत में जब पेश किया और किसी को भी दुआ ज़ारा से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और मजिस्ट्रेट के हुक्म पर वापस ले गए। अदालत ने ये हुक्म दिया कि जब तक अदालत ना कहे दुआ ज़ारा को आइंदा पेश ना किया जाए। दुआ ज़ारा ने अदालत से इस्तदा की है कि दुआ ज़ारा को वकील करने की इजाज़त दी जाए। अदालत का ये हुक्म है कि दुआ ज़ारा से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए और अगर किसी ने दुआ ज़ारा से मुलाकात करनी है तो पहले अदालत से दरख्वास्त करें, उसके बाद उसको इजाज़त दी जाएगी। देखना यह है कि दुआ ज़ारा वकील की इस्तदा क्यों कर रही हैं। क्या उन्होंने ज़हीर के साथ वापस जाने के लिए अदालत से इस्तदा करनी है या कि अपने वालदैन के साथ जाने पर रजामंद। पुलिस ने दुआ ज़ारा को अदालत पेश किया और फिर अदालत के हुक्म से अदालत से लेकर चले गए। अल्लाह पाक दुआ ज़ारा और उनके वालदैन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।